कैसा है आग और पानी का फिल्म से वास्ता। नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका फेवरेट चैनल बॉलीग्राड स्टूडियोज में। SS राजमौली की मोस्ट अवेटेड फिल्म RRR का मोशन पोस्टर और टाइटल लोगो तो काफी पहले रिलीज हो चुका है, लेकिन कभी सोचा है आपने कि ये मोशन पोस्टर अपने आप में बेहद अनोखा क्यों है, जिसमें पानी और आग की लड़ाई दिखाई गई है? तो चलिए आज मैं आपकी होस्ट पंखुरी आपको इस बारे में बताती हूँ। लोगो पर फिल्म का नाम RRR भी दिखाई देता है, वहीं ये भारतीय ध्वज के अशोक चक्र लोगों के साथ खत्म होता है। लोगों को शेयर करते हुए फिल्म के निर्देशक SS राजमौली ने लोगों से घर में रहने की अपील की है। बता दें, फिल्म के लोगों में आग और पानी को दिखाने का एक खास मकसद है, जो कि फिल्म में रामचरण और जूनियर NTR के स्वभाव को दिखाता है। फिल्म में एक गुस्से वाले किरदार को निभाएगा और एक शांति से काम लेने वाला होगा, जिसकी वजह से इनके बीच गहरी दोस्ती होगी। RRR के लोगों को काफी तड़कती भड़कती थीम के साथ रखा गया है। ऐसा इसलिए किया गया है ताकि फिल्म के बारे में लोगों को अंदाजा लगे कि फिल्म की कहानी भी काफी अलग और इसके लोगों की तरह आग बरसाने वाली होगी, जो लोगों के दिल को चांद की शीतलता की तरह छू जाएगी। जैसे कि सबको पता है कि ये फिल्म स्वतंत्रता सेनानियों के जीवन पर आधारित है और सच्ची घटनाओं से प्रेरित SS राजमौली की पहली फिल्म भी है। फिल्म से जुड़ी हर खबर निश्चित रूप से दुनिया भर में इंतजार कर रहे सभी प्रशंसकों और दर्शकों के लिए खुशी की सौगात लेकर आती है, जो बेसब्री से इस फिल्म की रिलीज के इंतजार में बैठे हैं। बता दें कि ये फिल्म अब दशहरे के मौके पर नहीं बल्कि 2022 के ईद के मौके पर रिलीज होगी। इसी के साथ अब निर्देशक राजमौली सीधा सीधा बॉलीवुड सुपरस्टार सलमान खान को चुनौती देते दिख रहे हैं। दरअसल सभी जानते हैं कि सुपरस्टार सलमान खान हर साल ईद के मौके पर अपनी फिल्म लेकर जरूर पहुंचते हैं। सलमान खान के लिए ईद का मौका बहुत ही खास होता है, ऐसे में कोई और निर्माता निर्देशक ईद के मौके पर अपनी फिल्म रिलीज करने से बचते हैं। वजह, सलमान खान का ऑब्वियस स्टारडम। मगर अब अगर निर्देशक SS राजमौली अपनी फिल्म RRR को लेकर इस मौके पर थिएटर पहुंचते हैं, तो सलमान खान के साथ इस फिल्म की बड़ी भिड़ंत तो बिल्कुल तय है। DVV दनैया द्वारा DVV एंटरटेनमेंट के तहत निर्मित और SS राजमौली द्वारा निर्देशित RRR को दुनिया भर में एक साथ 10 भारतीय भाषाओं में रिलीज किया जाएगा। फिल्म में आलिया भट्ट और अजय देवगन के साथ साथ रामचरण और जूनियर NTR भी मुख्य भूमिकाओं में हैं। फिल्म में अंतर्राष्ट्रीय अभिनेता रे स्टीवेंसन, एलिसन डूडी और ओलिविया मॉरिस भी नजर आएंगे। आपको RRR के लोगों के बारे में हमारी कही बात कैसी लगी और क्या आप इस बारे में पहले से जानते थे, हमें कमेंट बॉक्स में बताइए। हम फिर मिलेंगे आपसे एक नए विषय के साथ, एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए आपको अगर ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक और शेयर कीजिए और आगे की ऐसी ही खबरों के लिए जुड़ जाइए, सब्सक्राइब कीजिए बॉलीग्राड स्टूडियोज को। आज की स्क्रिप्ट आई है मनीषा जैन की तरफ से।